सुंदर कांड का पाठ करने से पता है कौन प्रसन्न होता है? बताओ कौन प्रसन्न होता है? कौन? हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदर कांड सुनने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। सुंदर कांड में तो हनुमान जी की कथा है, कैसे लंका गए, कैसे लंका जलाई, कैसे सिया का दुख हरा। सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें माता सीता का दुख खत्म हुआ था। सीता जी रो रही थी रावण के यहाँ, राम कब आएंगे राम, और सुंदर कांड में हनुमान जी लंका गए, सिया को खबर दी, तो सीता को सुनता ही राम चंद्र गुण वरने लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। सुंदर कांड ही ऐसा है जो सीता के दुख को भगाता है। अरे ये सुंदर कांड जब सीता माता के दुख को भगाता है और राम के दुख को भी भगाता है, राम जी भी दुखी थे, सीता कहाँ है, सीता हनुमान जी ने आकर संदेशा सुनाया, सीता फलानी जगह है, राम का भी दुख दूर हो गया, पता चल गया। जो सुंदर कांड राम और सीता को दुख से उबारता हो, वो सुंदर कांड आपको भी दुख से उबार देगा भक्तो। सुंदर कांड पढ़ने से हनुमान जी खुश नहीं होते। हनुमान जी तो बेटा है किनके? राम के। हनुमान जी कहते हैं ना सीता जी को, हनुमान जी क्या कहते हैं, माँ तू मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अजर, अब सुनना, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहु बहुत रघुनायक छहूं। सीता जी ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था लंका में। हनुमान जी कहते हैं माँ मैं आपका बेटा हूँ। सीता बोली ठीक है तू मेरा बेटा, मैं तेरी माँ। जब सीता माँ बन गई तो राम कौन बने? पिता। तो बेटा लंका जला रहा है, बेटा दुष्टों के दांत खट्टे कर रहा है, तो माता प्रताप प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड सुनने से, सुनाने से हनुमान जी नहीं, हनुमान जी को चाहने वाले सीता राम प्रसन्न होते हैं। जैसे बेटे की तारीफ सुनने से माँ बाप प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की चर्चा सुनने से सीता राम प्रसन्न होते हैं। सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिस कांड में सीता माता का पता चला था। हाँ, सुंदर कांड ही ऐसा कांड है जिसमें लंका दहन हुआ था, लंका जली थी। तो आपके जीवन में जितना भी पाप का पहाड़ है, वो पाप का पहाड़ जल के समाप्त हो जाएगा, सुंदर कांड का पाठ होगा तो।